सुजानपुर टीहरा, देवभूमि हिमाचल प्रदेश। धार्मिक, सामाजिक आस्था और परंपराओं की जमीन, प्रकृति के सुंदर नजारों के बीच से गुजरती सड़कें, खुले आसमान और हरियाली की चादर पर सीना तान कर खड़े पहाड़, हिमाचल प्रदेश की इन खूबसूरत वादियों की महक को दुनिया तक पहुंचाते हैं यहाँ के रंग, त्योहार, परंपराएं और संस्कृति। नाचते गाते खुशियां मनाते लोग, मुस्कुराते चेहरों में जिंदगी की झलक सब है यहाँ। हिमाचल के शांत और सुकून देने वाले नजारों से भरे पहाड़ों में टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्तों से गुजरकर एक खूबसूरत पड़ाव का नाम है सुजानपुर टीहरा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का हिस्सा है सुजानपुर टीहरा। सज्जनों की जमीन सुजानपुर एक सुनहरे इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। ये जगह एक जमाने में कटोच वंश की राजधानी हुआ करती थी। वही कटोच वंश जो वीर योद्धाओं की जननी है, जिसने दुश्मन से कभी हार नहीं मानी और कांगड़ा साम्राज्य को देश में वीरों की जमीन की पहचान दिलाई। कटोच शब्द दो संस्कृत के दो शब्दों से बना है, कटी एट उच्च, कटेशु उच्च। कटी मीन्स वेस्ट, कमर, और उच्च मतलब जो सीधा तन के बैठा है, यानी कि हर समय जो व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार हो उसे कटोच कहते हैं, तो इसे कटोच बना। और इसी तरह से कांगड़ा जो है ये कानगढ़ यानी कि दैत्य था जिसके बद्ध किया गया था, उसके कान पर ये गढ़ जो था, किला जो था कांगड़ा का, वो बना, इसलिए उसको कांगड़ा कहते हैं। राजा महाराजाओं की शान और शौकत देख चुका सुजानपुर अपने होली महोत्सव से दुनिया में एक खास पहचान बनाए हुए है। यहाँ होली एक या दो दिन की नहीं होती बल्कि कई दिनों तक रंगों की मस्ती जारी रहती है। राजा का ये दूसरा रूप था शांति प्रिय होने का। उस वक़्त ये जब होली मनाते थे, राजाओं को बुलाते थे और उनके साथ बातचीत करते थे प्रजा के बारे में, उनकी समस्याओं का भी वहाँ परामर्श होता था कि उनका क्या समाधान हो, तो इस ढंग से वो एक किस्म का ऐसा आयोजन होता था जहाँ राजनैतिक दृष्टि से भी उसका महत्व, जहाँ राजनीति भी डिस्कस हो जाती थी और साथ ही उस लोगों की समस्याओं का भी हल निकाला जाता था। और राजा फिर होली उत्सव, वहाँ होली के दिन होता था, होली उत्सव मनाते थे और होली खेलते हुए राजा उनको सबको संतुष्ट करते थे और अपने उपहार वगैरह दे के उन्हें विदा करते थे। सुजानपुर की खासियत है कि यहाँ पूरा शहर एक साथ मिलकर होली खेलता है। हर साल यहाँ होली के लिए मेला लगाया जाता है। मेहमानों के स्वागत के लिए रंगोलियों के साथ हवा में हिमाचली परंपरागत संगीत की धुनें बजती हैं। होली महोत्सव 2018 की शुरुआत हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हाथों हुई। ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री का तिलक लगाकर स्वागत किया गया।
रिबन काटकर आगाज और फिर तैयारी होती है पगड़ी रस्म। सीएम समेत मेहमानों को पगड़ी बांधकर उन्हें पूरी तरह से हिमाचल के रंग में रंगा जाता है। साढ़े 400 साल पहले महाराजा संसार चंद ने यहाँ की होली को नया रूप दिया। ये नया रूप ब्रिज होली का आज भी सुजानपुर के इतिहास का हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश मेलों और त्योहारों का प्रदेश है। हर महीने कोई ना कोई मेला लगता है और प्रदेश में ऐसे अनेकों मेले हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मेले कुल्लू का दशहरा, मंडी की शिवरात्रि, सुजानपुर की होली और चंबा का मिंजर है। ये मेले किसी त्यौहार, किसी मौसम के प्रतीक हैं, किसी ऐतिहासिक घटना से जुड़े हुए हैं। सुजानपुर की होली सदियों पुरानी है। इसके इतिहास के अनुसार लगभग 450 साल पहले महाराजा संसार चंद ने इसको प्रारंभ किया था। और जो संदेश होली का होता है कि छोटे और बड़े का अंतर, राजा और रैया का अंतर, राजा और प्रजा का अंतर, वो समाप्त करके होली खेली जाती है। महाराजा संसार चंद ने लगभग 450 साल पहले यही प्रथा प्रारंभ की थी और तब से लेकर स्थानीय जनता ने इसको अपना त्यौहार बनाया है। होली पर्व की शुरुआत शोभा यात्रा निकालते हुए शहर के बीच से गुजरते हुए मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद होती है। शोभा यात्रा में शास्त्रों के अनुसार होली की चार मुख्य कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है। विष्णु पुराण की नरसिंह अवतार की कथा हो, या श्रीमद् भागवत की पूर्णिमा के दिन पूतना वध कथा, या फिर होलिका दहन काली रूप और शिव पुराण के अनुसार कामदेव वर्णन और कृष्ण लीला की झांकियां। शोभा यात्रा खुशी से नाचते गाते लोगों के साथ गुजरते हुए मुरली मनोहर मंदिर में पहुंचती है। जहां पूजा अर्चना करने के बाद होली उत्सव का आरंभ होता है। हजारों सालों से इसी तरह होली पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसकी शुरुआत जो थी महाराजा संसार चंद के टाइम में, ये बारादरी का मतलब 12 दरवाजों वाला महल था। तो उसमें ये दरबारियों के साथ और महल के जो लोग थे उनके साथ ये आपस में होली लोग खेला करते थे। और धीरे धीरे इसको हिमाचल सरकार ने भी प्रोत्साहन दिया है और आज जो है वो एक राजकीय स्तर पर इसको मनाया जाता है। हिमाचल की तहजीब और पहचान का हिस्सा यहाँ की संस्कृति सुजानपुर के इस मेले के मंच से एक अलग अंदाज में दिखती है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकार हिमाचली संगीत और लोक नृत्य को जीवंत कर सामने पेश करते हैं। और राज्य के सीएम खुद उनके रंग में झूमते हुए नाटी डालते हैं। सुबह के साथ शाम को भी लोक गायकों के रंगारंग कार्यक्रम पहाड़ों की खूबसूरती और शांत वादियों में संगीत की धुनें घोलते हैं। शाम संगीत से रंगीन होती है तो पूरे दिन मेले और प्रदर्शनियों को देखने लाखों लोग यहाँ आते हैं। पूरे उत्साह से इस दिन की तैयारियों में लगे लोगों के चेहरे खिल उठते हैं जब मेले में लगी उनकी प्रदर्शनियां लोगों के सामने होती हैं। चूड़ियों की खनक से लेकर झूलों पर खिले खिले चेहरे, रंग बिरंगे साजो सामान और खाने के लजीज पकवान
मेले की एक एक चीज का एहसास कराती है कि आप एक ऐसी जगह हैं जहां खुशियों का बसेरा है। भेदभाव भूलकर हर कोई अपनी पसंद की चीजें लेने में खोया लगता है। कुछ नए ढंगों में ढली परंपरागत चीजें मेले की शान बढ़ाती हैं। अपनेपन से सजा ये अंदाज, ये भाव अजनबियों को भी एक कर देता है। ऐसा ही होता आया है हजारों सालों से। लोगों को एक करने और एक साथ त्योहार मनाने के लिए एक जगह पर इकट्ठा करने की शुरुआत महाराजा संसार चंद कटोच ने की थी। तेग चंद कटोच के पुत्र संसार चंद्र 1765 में जन्मे कांगड़ा साम्राज्य के पसंदीदा महाराज ने 1775 में गद्दी संभाली। सुजानपुर की हिस्ट्री कटोच वंश से जुड़ी हुई है और अगर कटोच वंश का इतिहास खोजें तो इसका संदर्भ जाके पुराणों तक चला जाता है और पद्म पुराण में कटोच वंश के बारे में कुछ वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि प्रथम राजा जो कटोच वंश के थे वो भूमिचंद थे और वो देवी पार्वती के अंग से पैदा हुए और उन्होंने कटोच वंश की स्थापना की। होली पर्व राजघरानों की शान हुआ करता था। कटोच वंश के पूर्व राजा अभय चंद ने 1748 में होली पर्व मनाने की प्रथा शुरू की। बाद में घमंड चंद कटोच, तेग चंद कटोच और संसार चंद कटोच ने होली पर्व की परंपरा को आगे बढ़ाया। होली मनाने के लिए सुजानपुर को चुना गया जो कि कांगड़ा की राजधानी थी। इस जगह से शुरुआत से ही राजाओं का अलग नाता रहा। सुजानपुर जो है ये कटोच डायनेस्टी की कैपिटल थी, राजधानी थी और इसलिए वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया गया समय के साथ साथ और एक बढ़िया एक मॉडर्न ढंग से उस नगर को बसाया गया। लाहौर के शालीमार गार्डन के तौर पर की तरह से वहाँ पर भी एक गार्डन बनाया गया, आजकल उसके खंडरात मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ। ये इस वंश का इतिहास जो है ये बहुत पुराना है, शायद ही दुनिया के किसी और डायनेस्टी का इतना लंबा इतिहास हो। संसार चंद ने होली को लोगों से सीधा जोड़ दिया। उन्होंने चौगान मैदान में होली पूरे शहर के साथ मनाने की शुरुआत की, जबकि उनसे पहले होली महल के प्रांगण में मनाई जाती थी। महाराजा संसार चंद के शासनकाल में सुजानपुर को कैपिटल बनाया गया, राजधानी बनाया गया। वहाँ पर मौसमों के अनुसार राजा संसार चंद ने महलों का निर्माण करवाया। गर्मियों में रहने के लिए अलग महल, सर्दियों में रहने के लिए अलग और बरसात के दिनों में अलग महल जो था वो बनाया गया। इसके अलावा बारादरी का निर्माण हुआ जहाँ पर महाराजा संसार चंद और बाकी दरबारी लोग जो थे वो होली खेला करते थे। रंगों की रंगत सबके चेहरों और ओहदों पर चढ़ती तो पहचानना मुश्किल हो जाता कि कौन राजा है और कौन आम जन। बैर भुलाकर सब एक रंग हो जाएं, यही संदेश है सुजानपुर की होली का। प्रेम, भाईचारा और शांति के संकल्प के साथ होली का समापन होता है। इस जगह पर होली के रंग धुल भले ही जाएं, लेकिन दिलों में लगा प्यार का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। जैसे सुजानपुर टीहरा का ये महल आज ये खंडहर जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ का इतिहास गौरव गाथा को अपने अंदर समेटे हुए है। कहते हैं कभी ये किला हिमाचल क्षेत्र के सबसे शानदार किलों में शुमार था। 1750 में महाराजा अभय चंद ने इसे बनवाया था
ये किला सेना के लिए बनवाया गया था। एक तरह से शहर का रक्षा कवच था ये किला। इस किले से पूरा सुजानपुर दिखता है। कांगड़ा साम्राज्य के इतिहास में सुजानपुर का ये किला चमकते हुए गहने की तरह है। यहाँ के अलौकिक एहसास को यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। अपने सुनहरे काल में ये किला खूबसूरती और कारीगरी की मिसाल था, लेकिन 1905 में भूकंप के झटके इस किले को धराशाही कर गए और आज ये महज अतीत की एक निशानी बनकर रह गया है। ।1905 के भूकंप ने किले के साथ साथ यहाँ के मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया। जो रूप मुरली मनोहर मंदिर का दिखता है वो इतिहास के कई दौर से गुजरा। 1905 में बहुत बड़ा भूकंप हुआ कांगड़ा में, उसमें मंदिर जो काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ। इस चार बेद थे, चार बेदों में खड़ा था मंदिर। ये ड्योडी है, गिर गई थी नीचे। गरुड़ की मूर्ति टूट गई है, पत्थर की थी। अंदर जो राधा की मूर्ति है वहाँ पे रुक्मिणी की मूर्ति हुआ करती थी, तो वो मूर्ति गिर गई थी, उसकी बाजू टूट गई थी फिर, और उस मूर्ति को ले जाकर पानी में प्रवाहित किया गया था। फिर उसके बाद इसका नाम मुरली मनोहर मंदिर रहा। कई टाइम तक इसका नाम मुरली मनोहर मंदिर रहा। पहले लखे का मंदिर कहते थे इसको, लखे का मंदिर है, उसके बाद इसको मुरली मनोहर कहते रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मूर्ति विसर्जन के बाद राधा की मूर्ति की स्थापना की गई, राधा की मूर्ति की स्थापना की गई, और मतलब पूजन पाठ करके इसका वेदों मंत्रोच्चारण द्वारा उसका पूजन किया गया। अपने होली महोत्सव से सुजानपुर दुनिया में मशहूर है, लेकिन इसके अतीत पर और गहराई से नजर डालें तो पता चलता है कि यहाँ का इतिहास गौरव गाथाओं से परिपूर्ण है। राजा महाराजाओं के समय से लेकर आज भी यहाँ के वीरों का लोहा माना जाता है। सुजानपुर टीहरा में 18वां सैनिक स्कूल देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में शुमार है। 2 नवंबर 1978 को शुरू हुआ सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा NDA परीक्षा में लगातार शानदार परिणाम देता रहा है। सुजानपुर की मिट्टी में हमेशा से वीर पैदा होते रहे हैं। महाराजा संसार चंद खुद 18वीं सदी में सुजानपुर के मैदान में अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देते थे। ये सैनिकों की भूमि है। कारगिल युद्ध में 9 सैनिक किसी क्षेत्र के शहीद हुए थे, जिन्हें वीर चक्र अवार्ड भी मिले थे। और हर युद्ध में की बात हो या शांति की बात हो, जब जब आवश्यकता होती है देश की रक्षा के लिए हमारे जवान हमेशा आगे होते हैं। बहुत सारे सेना में भर्ती होते हैं, कई बार कोटा कम होने के कारण जो सेना में नहीं जा सकते वो पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाकर भी देश की रक्षा करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी कहा जाता है। राजा का महल आज भले ही किला मात्र रह गया है, लेकिन ये भी सुजानपुर को उसकी पहचान दिलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किले की ये खाली दीवारें कभी राजसी ठाट बाट की गवाह थी। महाराजा संसार चंद के विवाह के बाद पहली होली उन्होंने अपनी धर्मपत्नी प्रसन्नो देवी के साथ खेली। रानी के कहने पर रंगों को घोलने के लिए महल में कुंड बनाया, जो आज भी विद्यमान है। अपनी प्रजा के साथ होली खेलते हुए पूरे सुजानपुर की परिक्रमा करते हुए महाराज संसार चंद मुरली मनोहर मंदिर पहुंचते थे। यहाँ की आस्था ने ही इस जगह को देवभूमि बनाया है। शौर्य गाथाओं के साथ भगवान का नाम महाराज की जुबां पर हमेशा रहता था। जब महाराजा संसार चंद जो है राजगद्दी पर बैठे 10 वर्ष की मात्र आयु में, तो उन्हें क्षेत्र विस्तार की लालसा हुई, तो उसने मंडी, सुकेत, नालागढ़, पठानकोट को जो है विजय हासिल की,
जब विजय प्राप्त करने के बाद जो है वो धन इकट्ठा करके जो है यहाँ अपने शहर सुजानपुर में लाए तो अपनी माता को जब सौंप दिया तो माता जो है वो बहुत खुश हुई, क्योंकि माता ने कभी भी जो है 125,000 रुपया नहीं देखा था। और माता के आदेश से कहा कि इस पैसे का क्या किया जाए, तो माता ने आदेश दिया और आशीर्वाद दिया कि इसका जो है भव्य मंदिर जो है वो बनाया जाए। और ये भव्य मंदिर जो है राधा कृष्ण का मंदिर जो है वो 125,000 रुपये की लागत से उस समय बना है। इस मंदिर को लखीय का मंदिर भी कहा जाता है। गुजरे हुए काल को जहन में ताजा करके आने वाले नए काल को और चमकदार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है हिमाचल। प्रकृति के सुंदर नजारों को सहेज कर तरक्की के नए रास्ते खोलकर ही सही मायने में आगे बढ़ा जा सकता है। सज्जनों का ये शहर सुजानपुर आज नए आयाम तलाश कर नया इतिहास लिखने की ओर अग्रसर है।